हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पंच ईवी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज हमारे पास पंच ईवी का टॉप एंड मॉडल है जो कि काफ़ी मतलब यूनिक लुक्स के साथ आता है। मैंने पहली वाली पंच देखी, अभी यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही है, बट उसका जो लुक है उससे इसका जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट दिखता है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। आज के इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी का हम पूरा एक वॉक अराउंड लगे, इसके अंदर आपको कितनी रेंज मिलती है, क्या चीज़ें हैं सारी उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेंज ही बता दूँ, ये वाला जो हम मॉडल देख रहे हैं ये वाला टॉप एंड मॉडल है। इसका नाम एम्पावर्ड प्लस है। इसके अंदर वैसे चार मॉडल आते हैं, एक स्मार्ट है, एक स्मार्ट प्लस है, एक एडवेंचर है, एक एम्पावर्ड है और एक शायद से कोई तो भी मॉडल है। इसे आपको चार मॉडल मिलते हैं, मॉडल के नाम मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। बट आज हम ये जो मॉडल देख रहे हैं ये वाला टॉप एंड मॉडल, इसके अंदर आपको सनरूफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। रेंज की अगर हम बात करें तो 421 की रेंज आपको ये गाड़ी जो है देती है, जो कि कंपनी क्लेम रेंज है। आपको रियल में थोड़ी सी जो है कम ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको और एक मॉडल आता है जिसके अंदर 25 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक मिलता है, इसकी रेंज आपको अराउंड 315 की मिलती है। अगेन ये कंपनी क्लेम रेंज है। इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेशली जो है ये 35 किलोवाट आर का जो बैटरी पैक मिलता है। सो गाड़ी का आप लुक देखना, जो कलर है वो भी काफ़ी मस्त दिखता है। ये थोड़ा सा ग्रे स्टोन है, वाइट लगता है बट ये थोड़ा सा आपको ग्रे स्टोन यहाँ पे मिलता है और बहुत ही मस्त दिखता है। मुझे पर्सनली अभी जो टाटा के कलर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली नई वाली नेक्सॉन है, इसका पर्पल कलर देखना, यहाँ पे ये हैरियर, ये सफारी आप देखना, मतलब दोनों के जो कलर्स है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये वाला भी जो ग्रे कलर है या वाइट कलर आप बोले, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आपको जो ये थोड़ा सा पंच जैसा ही डिज़ाइन मिलता है, पुरानी वाली पंच जैसा, बट यहाँ पे ये जो इसकी DRLs वगैरह दी है ना, मतलब यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में पूरी ही DRLs मिलती है। देन यहाँ पे आपको जो ये अगेन पूरा जो ये DRL का सेटअप मिलता है, यहाँ पे वैसे टर्निंग इंडिकेटर्स भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स आप यहाँ पे देखोगे, आपको नीचे के साइड में हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको जो फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। और ये है गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट लुक, जहाँ पे आप देखना एकदम क्लीन है, मतलब कोई भी यहाँ पे आपको जो ये ज़्यादा ग्रिल वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसको रेडिएटर तो मतलब नहीं लगते है। सो सामने के साइड में आपको पूरा जो क्लीन इसका जो बम्पर मिलता है, यहाँ पे आपको एक फ्रंट में कैमरा मिलेगा क्योंकि इस पंच ईवी के अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है। और अगर हम बात करें बाकी के डायमेंशंस की, तो पुरानी वाली पंच जैसे ही आपको डायमेंशंस मिलती है, यहाँ पे आप देखना आपको साइड मिरर्स के अंदर भी जो कैमराज मिलेंगे बिकॉज 360 डिग्री कैमरा है। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश है। डोर के अंदर आपको फ्रंट डोर के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। पीछे से अगर हम यहाँ पे देखें तो यह है कंप्लीट अगेन लुक। आपको पीछे से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बिकॉज पीछे से गाड़ी जो है अराउंड जो पहली गाड़ी जो पहली पंच दिखती थी उसी की तरह आपको जो मिलती है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अलॉयस की, सो 16 इंचेस की आपको यहाँ पे अलॉय मिलती है। जो प्रोफाइल है अलॉयस की उसके अंदर आपको काफ़ी जो है बड़ा बदलाव मिलता है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको इस तरह की मिलती है। ड्यूअल टोन कलर में है, ब्लैक एंड सिल्वर का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है। अपोलो के टायर्स इसके ऊपर जो लगे हैं और यह है इसकी पिछली लुक। अगेन पिछले साइड में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, पीछे यहाँ पे आपको डिफॉगर्स मिलेंगे। डोंट माइंड यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी धूल दिख रही होगी बिकॉज आज थोड़ा सा जो ये वेदर काफ़ी अलग है। सो यहाँ पे आपको एक वाइपर भी मिलता है, आई थिंक यहाँ पे वॉशर है या नहीं, सो यहाँ पे वॉशर नहीं है। ऊपर के साइड में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है। अगेन पीछे के साइड में कैमरा बिकॉज दिस कार हैज 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे आप बूट स्पेस भी देख सकते हैं, इनफ बूट स्पेस मिलती है फैमिली के लिए क्योंकि ये एक फैमिली कार है, तो आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें मिलने वाली है। और बात करें अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक बार मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे ईवी लिखा है, सो पंच ईवी, बहुत सारे लोग इसको पंच ईवी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इसका डोर पैनल है, यहाँ पे आपको और विंडोज़ के बटन मिलेंगे, साइड मिरर्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। जो सीट है ये आपको वेंटिलेशन के साथ मिलते हैं। सो एक छोटी गाड़ी है बट आपको फीचर इसके अंदर लोडेड मिलते हैं। ये गाड़ी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ट्रंक ओपन है। सॉरी गाइस, मैंने ट्रंक ठीक से बंद नहीं की, टाटा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है तो ज़ोर से दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, सुजुकी की तरह नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये है इसका नया वाला डैशबोर्ड, आई थिंक यहाँ पे 10 इंचेस का ये डिस्प्ले लगा है। इसको एक बार हम वैसे चालू करते हैं, यहाँ पे इसका बटन है, पुश बटन स्टार्ट मिलता है। और ये है गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। अगर किसी को छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है ना यार, मतलब उसके लिए बहुत मस्त है ये। आप यहाँ पे अभी देखना कितना मस्त यहाँ पे ये लोगो एल्यूमिनेटेड लोगो आपको मिलता है। ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आया यार, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है। एसी को कैसे कम करूँ यार, यहाँ पे फैन की स्पीड को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, हवा बहुत ज़ोर से आ रही है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती है और आवाज़ भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ रेडियो का। ओके, सो यहाँ से आप पूरा टच डिस्प्ले से जो ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ही मस्त चीज़ है यार, मतलब ये डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक ये भी हारमन का रहेगा क्योंकि टाटा की मोस्ट ऑफ द कार के अंदर जो ये हारमन का जो साउंड सिस्टम रहता है। एक बार मैं इसको फुल कर देता हूँ। कमली के तुम थक गई हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा गला भर्रा गया है, मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। अभी गाना तो नहीं प्ले हो रहा था बट साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। साउंड अगर आप कम ज़्यादा करोगे ना तो यहाँ पे भी दिखता है, देखो अभी
यहाँ पे भी आपको साउंड दिखेगा, मतलब ड्राइवर सामने देख के भी जो है अपने आवाज़ वगैरह यहाँ से जो है बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आवाज़ बढ़ जाती है। और ये इसका स्टेयरिंग है काफ़ी मस्त है, टू स्पोक स्टेयरिंग है। यहाँ पे फिनिश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, यहाँ पे आप ये स्टेयरिंग का फिनिश देखना कितना मस्त फिनिश है। यहाँ पे वैसे आप कुछ और बटन्स देखोगे, ये वाला अगर आप बटन दबाते हैं ना तो इसका जो आगे का चार्जिंग का है वो पोर्ट खुल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको AC एंड DC बहुत चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। आपको अलग अलग वेरियंट्स भी मिलेगा, अगर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं है तो आपको वाला भी मॉडल मिलेगा। बट फास्ट चार्जिंग से आपकी गाड़ी जो है 45 मिनट्स के अंदर इलेक्ट्रिक स्टेशन पर जो है चार्ज हो जाएगी, और अगर आप घर पर चार्ज करते हो तो आपको अराउंड 8 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे जैसे कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसको कोई भी ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। जस्ट ऐसा घुमाना है, जैगुआर लैंड रोवर की कार्स के अंदर जैसा जो गोल घुमाने वाला आपको क्रॉन मिलता है ना, वैसा आपको यहाँ पे जो है गियर शिफ्टर मिलता है। काफ़ी मस्त दिखता है। यहाँ पे नीचे इसका जो ये वायरलेस चार्जर लगा है, एक USB पोर्ट है, एक C टाइप का पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का डॉक है। देन ये है गाड़ी की चाबी, हालांकि आपको चाबी के अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलता है, पुरानी वाली जो टाटा की चाबी आती थी उसी की तरह चाबी है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है भाई, इस वाली गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है, ऑटो होल्ड का भी आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे मैग्नेट लगा है, ये काफ़ी अलग है। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा है, इससे पूरा चिपकता है। देन यहाँ पे आपको एक ग्लो बॉक्स मिलता है। ये फिनिश भी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक की फिनिश काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऊपर आप यहाँ पे जो ये SOS का बटन देखोगे, और यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, मतलब कितने सारे फीचर्स दिए यार इस गाड़ी के अंदर। ऊपर आप यहाँ पे सनरूफ देख सकते हैं छोटा सा। तो अगर आपकी मतलब फैमिली छोटी है, आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए और 10-15 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको काफ़ी कम कीमत पे इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने वाली है। अगर आपको पेट्रोल का पैसा बचाना है सो आप कुछ इस तरह की कार ले सकते हैं। यही इसकी पिछली सीट, हालांकि यहाँ पे थोड़ी लेग स्पेस कम है। यहाँ पे आर्म रेस्ट आप देख सकते हैं, सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वैसे कुशनी सीट्स हैं। लेदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि टॉप मॉडल है। तो यहाँ पे आप पीछे वैसे कुछ मैगजीन होल्डर्स देखोगे, और यही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। सो ये है कुछ गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर, और ये हमने वैसे एम्पावर्ड प्लस मॉडल देखा। सो ये टॉप एंड मॉडल है। सो इसकी जो कीमत है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डालूंगा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक ले बाय। We'll